यस कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने पढ़ा था एसिड्स क्या होते हैं, मैं आपको बता रही थी कंसेंट्रेटेड एसिड। तो कंसेंट्रेशन का मतलब है जहां पर वाटर की अमाउंट बहुत कम हो एसिड के अंदर, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कंसेंट्रेटेड। अब बात करेंगे हम डाइल्यूट। डाइल्यूट में क्या हो रहा है, एसिड की कंसेंट्रेशन कम है और वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए इसको कहा गया डाइल्यूट। देखिए, बाय मिक्सिंग द कंसेंट्रेटेड एसिड विद वाटर, जब हम एसिड के अंदर वाटर ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, दो तरीके हैं एसिड को डाइल्यूट करने के। एक तरीका कि आपने एसिड ले लिया और उसमें वाटर ऐड कर लिया, एक तरीका वाटर ले लिया आपने और उसमें एसिड ऐड कर दिया। तो हमें इन दोनों तरीके में से कौन सा तरीका लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, ये सब चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एसिड लें और एसिड में वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही वाटर एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक हीट निकलती है लार्ज अमाउंट में, उस हीट को वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये वाला जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, दैट्स द राइट वे, मतलब हमें हमेशा एसिड में ही वाटर को ऐड करना चाहिए, ना कि वाटर में एसिड। अभी बताती हूँ आपको वाटर में एसिड हमें ऐड क्यों नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अगर हमने वाटर ले लिया और वाटर हम एसिड को ऐड करेंगे, तब भी क्या होगा, हीट की फॉर्मेशन होगी एक लार्ज अमाउंट में, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम एसिड को वाटर में ऐड कर रहे हैं तो वाटर क्या हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, इट चेंज टू वाटर टू स्टीम, जिसकी वजह से क्या होगा, एक ब्लास्ट हो सकता है और आपकी जो ग्लास की ट्यूब है वो ब्रेक हो सकती है और पूरा एसिड क्या होगा, फैल जाएगा, स्प्लैश हो जाएगा, जिसकी वजह से वो हमारे ऊपर गिर सकता है और आपको पता है कंसेंट्रेटेड एसिड बर्न कर देता है। ठीक है, तो क्या होगा, हमें हमारी हेल्थ को हार्म पहुंचेगा। देखिए, कंसेंट्रेटेड एसिड प्लस वाटर डाइल्यूट करेगा प्लस इस फॉर्मेशन में क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। ठीक है, इसलिए इसके लिए टर्म ही सी है एक्सोथर्मी। एक्सोथर्मी मतलब जो हीट को प्रोडक्शन करता है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एक्सोथर्मी। ठीक है, एब्जॉर्ब बाय द वाटर। जब भी हम कभी किसी एसिड में वाटर को ऐड करते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, लेकिन इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट की प्रोडक्शन होगी, इस हीट को वाटर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये राइट वे है डाइल्यूट करने के लिए। लेकिन अगर हम वाटर के अंदर एसिड को ऐड करेंगे तब भी डाइल्यूशन हो रहा है, इस प्रोसेस में भी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बनेगी, बट यहाँ पर जो हीट है चेंज हो जाएगी वाटर टू स्टीम एक्सप्लोसिव, जो कि स्प्लैश कर देगी एसिड को और आपकी ग्लास जो है वो भी ब्रेक हो सकता है और सारा एसिड हमारे ऊपर गिर जाएगा, जो कि हमें बर्न कर सकता है। इसलिए ये प्रोसेस रॉन्ग वे है, कभी भी हमें वाटर के अंदर एसिड ऐड नहीं करना है, हमेशा एसिड के अंदर वाटर को ऐड करना चाहिए। अब बात करेंगे हम प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड टेस्ट में कैसा है, सॉर खट्टा, टर्न ब्लू लिक्विड टू रेड, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। हम किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी को इजीली किसी कंपाउंड की डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से एक प्रॉपर्टी है कि वो एसिड है या बेस है, तो हम लिटमस ब्लू डालेंगे, अगर एसिड होगा तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम रेड लिटमस लेंगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट होगा, इट मीन्स वो बेस है। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ठीक है, हम जब एसिड और वाटर आपस में मिक्स करते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन बनता है जो कि कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो आप आपके चैप्टर 5 में है, जो कि हम बहुत डिटेल में वहां पर स्टडी करेंगे। अब हम एसिड की कुछ अदर प्रॉपर्टीज हैं कि किस तरह से वो हो रहा है, वो चीज हम यहाँ पढ़ेंगे। फर्स्ट है, एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई भी एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट सॉल्ट बनाएगा एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिंक, जिंक पे जब हम डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं, जिंक के नीचे मैंने एस लिखा है सॉलिड, H2SO4 के नीचे मैंने AQ एक्वस सॉल्यूशन लिखा है, और DIL का मतलब है डाइल्यूट, डाइल्यूट एसिड लेंगे। तो जब हम इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्ट बनेगा, सॉरी एक्वस सॉल्यूशन नहीं सॉल्ट बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है, जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी प्लस सॉल्ट बनेगा। ठीक है, जैसे जिंक H2SO4 प्लस H2। इस चीज को आप एक्सपेरिमेंटली करके देख सकते हैं, हमने एक ट्यूब ली, उस ट्यूब में ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दैट इज द ग्रेन्यूल्स ऑफ द जिंक। ठीक है, उसके अंदर हमने डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया तो बबल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई। हमने कहा ये बबल
इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू एक दूसरा हमने एक यूटेंसिल लिया है और उसके अंदर हमने क्या किया है, हमने सोप सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है। सोप सॉल्यूशन में से जब ये पास हो रहा है तो बबल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन, मतलब सोप के बबल्स बन रहे हैं और उसमें क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। ये हमारा सोचना है कि उसमें हाइड्रोजन गैस है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो हाइड्रोजन गैस है। तो हम क्या करते हैं, कैंडल लेंगे, बर्न करेंगे उस कैंडल को और इस बबल के पास लेके जाएंगे। अगर ये बबल एक पॉप साउंड के थ्रू, पॉप मतलब आप लोग पॉपकॉर्न घर में बनाते हैं ना कुकर में, तो एक पट पक पक इसकी आवाज आती है, तो पॉप साउंड के थ्रू अगर ये ब्लास्ट हो रहा है, इट मीन्स किस टाइप की गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। अगर ये पॉप साउंड नहीं आ रही है तो इट मीन्स वो हाइड्रोजन गैस नहीं है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप इजिली इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। आप कोई भी एसिड ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे H2SO4 लिया था, आप चाहो तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन को, अदरवाइज आपकी इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी। बैलेंस के अलग मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब घर में आपको पता है कर्ड भी बनती है, विनेगर भी होता है, हमें कभी भी इन चीजों को ऐसे वेसल में, मेटल वेसल्स में नहीं रखना चाहिए। रीजन बिहाइंड, क्योंकि एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ और एक पॉइजन की फॉर्मेशन करेगा, और उसको अगर आप अपटेक कर लेंगे तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। जैसे कि कर्ड एंड अदर फूड स्टफ, जैसे विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, हमेशा कांच ग्लास में रखने चाहिए, कभी भी ग्लास या कॉपर के ग्लास में नहीं रखने चाहिए, ठीक है। शुड नॉट बी कीप इन मेटल वेसल, कॉपर और ग्लास। क्यों? रीजन बिहाइंड, बिकॉज इट कंटेन एसिड, एसिड की फॉर्मेशन करते हैं ये लोग, ठीक है, विच कैन रिएक्ट विद मेटल, और मेटल के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे टू फॉर्म पॉइजन, ठीक है, एंड फूड पॉइजनिंग एंड डैमेज आर हेल्थ। इस तरह से वो हमें इजिली क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी कर्ड को या जो भी आपके सॉल्ट जूसेस होते हैं उन्हें हमें कभी भी ऐसे वेसल्स में नहीं रखना है, उन्हें हमें कोशिश करनी चाहिए ग्लास में या स्टील में, उसमें हम उसको इजी रख सकते हैं। थैंक यू क्लास।